राहुल गांधी का बयान कि वो आरक्षण खत्म कर देंगे। पीएम मोदी का बयान था कि कांग्रेस आपकी संपत्ति एक विशेष समुदाय को दे देगी। आखिर चुनाव आते ही ये सारे नेता डर क्यों दिखाने लगते हैं? आखिर इसके पीछे की साइकोलॉजी या कहें स्ट्रेटजी क्या है, आइए बताते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका दौरा के वक्त कई ऐसे बयान दे डाले जिसे लेकर अब भारत में विवाद हो रहा है। राहुल गांधी ने वॉशिंगटन के एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित किया। वहां एक छात्र ने सवाल पूछा कि आरक्षण कब तक जारी रहेगा। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि जब भारत में निष्पक्षता होगी तब हम आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेंगे, अभी भारत इसके लिए एक निष्पक्ष जगह नहीं है। इस बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने आरक्षण खत्म करने के बयान पर भड़कते हुए कहा कि राहुल गांधी के इस नाटक से सतर्क रहें, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आते ही आरक्षण खत्म कर देगी। फिर एक डर, संविधान और आरक्षण बचाने का नाटक करने वाली इस पार्टी से लोग जरूर सजग रहें। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता हरदीप पुरी ने कहा कि राहुल गांधी के इस बयान से आरक्षण पर कांग्रेस एक्सपोज हो गई है, उनके बयान विवाद की जगह बन रहे हैं, उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की भी बात की जा रही है, तो कहीं उन्हें आरक्षण विरोधी बताया जा रहा है। आइए एक्सपर्ट से समझते हैं कि क्या फेयर पॉलिटिक्स जिसका नेता चुनाव में इस्तेमाल करते हैं और आरक्षण पर क्या राहुल गांधी का बोलना सही है या गलत, आइए समझते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर राजीव रंजन गिरी कहते हैं कि राहुल गांधी को ऐसे वक्त में ये बयान नहीं देना चाहिए था जब वो खुद इसी मुद्दे पर बीजेपी को घेरते रहे हैं। अभी उन्हें बीजेपी और बसपा को बड़ा मुद्दा दे दिया है जो आने वाले चुनाव में उन्हें भारी पड़ सकता है। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान राजस्थान के बांसवाड़ा की एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को ये डर दिखाया था कि कांग्रेस का घोषणा पत्र कह रहा है कि वो माताओं बहनों के सोने का हिसाब लेगी, फिर उन संपत्ति को बांट देगी। उनके इस बांटने वाले का जो तर्ज था वो मनमोहन सिंह की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये रहा कि संपत्ति जुटाकर इसे ज्यादा जिनके बच्चे हैं उन्हें बांट दिया जाएगा। खैर, इससे अलग राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा के 400 पार के नारे का हवाला देते हुए लोगों को ये डर दिखाया था कि भाजपा 400 पार का नारा इसलिए दे रही है क्योंकि वो संविधान में संशोधन के आरक्षण को खत्म करना चाहती है। राहुल गांधी के इस नैरेटिव से लोकसभा चुनाव के दौरान इतना असर डाला कि लोकसभा में बहुमत से काफी आगे जीत की उम्मीद करने वाली बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा और बहुमत से 32 सीटें कम यानी 240 सीटों पर बीजेपी सिमट गई। 2016 के अमेरिकी चुनाव में भी जो कैंपेन कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, अक्सर वो डर दिखाते थे कि आज अमेरिका कोई सुरक्षित जगह नहीं है। वो कहते थे कि अगर सत्ता में आते हैं तो बाहरी लोगों के अमेरिका में प्रवेश करने से वो सख्ती बरतेंगे। अब ये जो डर का पूरा हिसाब किताब या लेखा जोखा क्यों होता है, मनोवैज्ञानिक से समझते हैं। मनोवैज्ञानिक के मुताबिक चुनाव के दौरान आम लोगों में किसी चीज के प्रति डर बैठाकर चुनाव जीतना एक स्ट्रैटेजी है जिसे कहते हैं सीट बेल्ट स्ट्रैटेजी। वो कहती है कि इंसान का नजरिया सफल जीवन जीने और बचाव की भावनाओं से लैस होता है, उसे इन दोनों की जरूरत होती है। जैसे कि आप जब कार में बैठते हैं तो किसी हादसे से घायल होने या मरने के डर से सीट बेल्ट पहनते हैं। वो ये स्ट्रैटेजी ये बताती है कि किसी भी तरह के जोखिम की बात करने या उसके बारे में टेंशन पैदा करना आम लोगों के इरादे और उसके बर्ताव को बदलने में काफी प्रभावी होता है। डर का इस्तेमाल किसी विशेष उम्मीदवार या पार्टी की ओर से वोट बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। ये इस बात पर आधारित होती है कि इंसान की मूल प्रवृत्ति क्या है, सुरक्षा खोजना। साइकोलॉजिस्ट ने एक एनालिसिस में पाया कि डर वाले मैसेज बिना डरे मैसेज की तुलना के लगभग 2 गुना प्रभावी होते हैं, यानी जिन मैसेज में डर ज्यादा होता है वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं। राजनीति का एक बड़ा हिस्सा लोगों को इसी चीज के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर रहा है जिनका आम मसलों से कोई सरोकार है ही नहीं। इस रणनीति का इस्तेमाल करने वाले नेताओं को पहले ये दिखाना होता है कि वो या उनकी पार्टी किसी विशिष्ट मुद्दे को लेकर बेहद गंभीर है। जब एक बार ये नैरेटिव सेट हो गया तो वो उस मुद्दे को लेकर आम जनता में भय पैदा करती है। वो ये बताती है कि अगर विपक्षी पार्टी की सरकार आई तो वो उनके खिलाफ होगा।
आपको यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और भी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें एनवीटी ऑनलाइन के साथ।